तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में इमली लेकर आएगी पूरी असलियत कि अरविंद की मौत कैसे हुई थी। दरअसल शो में हाई वोल्टेज जमा शुरू हो चुका है, जहां पर आदित्य और मालिनी ने ऐसे चालाकी चल दी है और इमली ने जैसे घर आने के लिए मना किया है। आदित्य का गुस्सा इमली पर फूट पड़ा है और वो मालिनी की बातों में आकर इमली को तलाक देने वाला है और इमली भी तलाक के पेपर्स पर साइन कर देगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यन आदित्य से बदला लेने के लिए उसे खून के आंसू रुलाने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि अब उसे बदला लेने की आग में जल रहा है। अब देखने को मिलने वाला है कि अर्पिता ही अब सारी सच्चाई सामने लेकर आएगी आर्यन के इस खड़ूसपन की, यानी कि वो आखिर इस तरह से क्यों हो चुका है, और इमली के सामने सच आएगा कि अरविंद की मौत के बाद आर्यन का ये हाल हो चुका है, जिसके बाद नहीं यहाँ पर इमली जासूस बनते नजर आएगी और करेगी उस सब बात का खुलासा कि आखिर क्या हुआ था और क्यों आर्यन किससे बदला लेना चाहता है। और सच्चाई आर्यन ही बताएगा कि क्यों आखिर अरविंद की मौत हुई थी और इसके पीछे किसी और का नहीं आदित्य का ही हाथ है। लेकिन सच्चाई कुछ और है और इमली को भी ये पता है कि आदित्य इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता और वो किसी की जान ले ले ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जिसके बाद वो आर्यन से ही लड़ते नजर आएगी। लेकिन आर्यन कहेगा कि जितना तुम जिन लोगों को पहचानती नहीं हो जानती नहीं हो तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, जब तुम्हें इसे घर से बाहर निकाल दिया तो तुम उसके पक्ष क्यों ले रहे हो। जिसके बाद इमली डिसाइड कर लेती है, उसे पता है कि आदित्य गलत तो नहीं कर सकता है और इतना विश्वास तो उसे उस पर है और वो सारी सच्चाई सामने लाने का ठान लेती है और शुरू होती है उसकी जासूसी कि उन दंगों के पीछे आखिर किसका हाथ था और आदित्य ने उसको बचाने की कोशिश की थी अरविंद को, ना कि उल्टे सीधे सवालों की वजह से उसकी मौत हुई थी। उसके बाद नहीं यहाँ पर दंगों के पीछे किसी और का नहीं उसी नेता का हाथ होता है जो कि ड्रग के मामले में आदित्य को भी फंसाने की कोशिश कर रहा है, यानी आदित्य और आर्यन का दुश्मन एक ही होने वाला है जिसने आदित्य के पीछे पड़ा हुआ था और जिसकी वजह से आदित्य की वजह से जो नेता जेल गया है उसी नेता ने भी वो दंगे करवाए थे ताकि दंगों की वजह से उसको वोटिंग मिले और ये सब कुछ हो और मजदूरों के हक के लिए उसके साथ खड़ा नजर आया था। तो भैया मजदूरों की आड़ में नेता ने ये सारा गेम खेला है, ये इमली जल्दी सच्चाई ला के ले रहेगी, यानी कि आर्यन और आदित्य का दुश्मन एक ही है और ये सच्चाई कोई और नहीं इमली लेकर आएगी, जिसके बाद ही आर्यन की गलतफहमी दूर होगी। तो काफी हाई वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि आर्यन के सामने से असलियत कब इमली सामने किस तरह से लेकर आती है।